Hello everyone, I'm Medha Singh from Juvena Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. Aaj ka topic hai tear trough hollows, hollow sunken eyes. Ye samasya jab hoti hai to aksar sabko lagta hai ki iska solution sirf aur sirf surgical hai ya fillers ke dwara hai aur ye sabse badi galat fehmi hai. Iska solution natural hai aur holistic approach rakhenge तो पूरी तरह से ये समस्या ठीक हो जाएगी. पफी आईज, डार्क सर्कल्स पर दो वीडियोस अगर आपने शुरू के देख लिए हैं, पार्ट वन पार्ट टू जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको समझ में भी आएगा. अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें. और जैसा कि कई लोगों ने गुण दोष प्रकृति विकृति ये वीडियोस और इजी स्टेप्स टू गेट फ्लॉलेस स्किन और स्लीप साइकिल देखकर जब ये दो वीडियोस देखे, पार्ट वन पार्ट टू, तो उन्होंने अपने रिव्यूज़ भेजे कि हमने वो सारे लाइफस्टाइल चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हुए जब आपके ये दो वीडियोस देखे हैं तो हमको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं. तो उनके अनुभव पर आधारित आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी ये वीडियोज़ अवश्य देखें और तब ये वीडियो देखें. इन वीडियोज़ में जैसा कि मैंने बताया कि आँखों के नीचे की त्वचा बेहद पतली होती है, 0.05 mm इसके थिकनेस है. फेशियल स्किन की थिकनेस है 1.5 mm और कंप्लीट बॉडी स्किन की थिकनेस है 2 mm. तो ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से आप अब जान गए हैं कि यहाँ की त्वचा बेहद पतली है और इसकी वजह से यहाँ पर फैट और कोलेजन जल्दी डिप्लीट होता है क्योंकि उसकी मात्रा भी कम है. सेबेशियस ग्लैंड्स की भी मात्रा बेहद कम है. तो जैसा आप 25 साल की उम्र से अगर जाने तो हर साल 1% कोलेजन डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है. ज़रूरी नहीं है कि ये डिप्लीशन 25 की उम्र से स्टार्ट हो. अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप अनुशासन में जीवन जी रहे हैं, तो ये प्रक्रिया देरी से हो सकती है. वॉल्यूम लॉस, एज के साथ साथ वॉल्यूम लॉस होना है तो किस में होना है? स्किन, बोन, मसल्स और फैट, इनका वॉल्यूम लॉस होना ही सुनिश्चित है. ये तो आप जानते हैं, लेकिन उसे डिले किया जा सकता है अच्छी लाइफस्टाइल से. तो अब आपके पास होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए अगर आप आजीवन सुंदर और स्वस्थ रहना चाहते हैं. तो एजिंग को आप कंट्रोल में कर सकते हैं अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है. तो ये होलिस्टिक अप्रोच का एक सबसे अहम बिंदु है, तो आप इसे अपना लीजिए. लेकिन आपको डरना किन कारणों से है तो जानते हैं. प्री मैच्योर एजिंग, डिहाइड्रेशन, एनिमिक होना या इल्यूजन मात्र है कि आपको हॉलो संकन आईज हैं. इसके अलावा नींद ना आना और नींद पूरी ना करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया. सडन वेट लॉस, स्टारवेशन डाइट पर रहते हुए गलत तरीके से वेट रिड्यूस करना, और उसके अलावा सन एक्सपोजर, जेनेटिक फैक्टर्स आप सरपास कर सकते हैं इजीली, ये भी अब आप जान गए हैं. दो वीडियोस आपने देखे हैं और जेनेटिक मतलब हेरिडिटरी फैक्टर्स को आप पूरी तरह से सरपास इजीली कर सकते हैं अगर होलिस्टिक अप्रोच आपके पास है, आपने अपना लिया है अपने जीवन में. इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जितने भी हैं, ENT इन्फेक्शंस जितने भी हैं, उनको किस प्रकार से आपको कंट्रोल करना है और अपनी इस ढंग से जीवन शैली के साथ साथ एक्सटर्नल केयर करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ हॉलो संकन आईज ठीक करने चले, लेकिन आपको अन्य सुंदरता और स्वास्थ्य बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल गया. जो समस्याएं आपकी डाइजेशन से रिलेटेड या बॉडी मेटाबॉलिज्म या एनर्जी से रिलेटेड थी, वो ठीक नहीं हो रही थी दवाइयां सप्लीमेंट्स लेते हुए, लेकिन ये लाइफस्टाइल चेंजेस सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया क्योर करने के वजह से आपने अपनाए और वो सारे अनगिनत फ़ायदे आपको मिल गए. तो ये आपके साथ भी हो सकता है. डिहाइड्रेशन सबसे पहली समस्या है. डिहाइड्रेशन 4 साल 6 साल की उम्र के बच्चे क्लाइंट्स लेकर आते हैं और कहते हैं कि देखिए इनके आँखों के नीचे गहरे गड्ढे हैं. हॉलो संकन आईज का मतलब है गहरे गड्ढे होना. तो गहरे गड्ढे 4 साल और 6 साल की उम्र में कैसे हैं? आपके अगर बच्चों में ये समस्या है तो सीधी सी बात है कि अगर उन्हें उल्टियाँ होती हैं हर 2 महीने में 1 बार, उल्टियाँ, दस्त, ये सब उनको हो रहा है, तो हो सकता है कि इस वजह से वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, एक्यूट डिहाइड्रेशन. और ये भी हो सकता है कि उनके पेट में वर्म्स हैं. तो अपने फैमिली फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें और डिहाइड्रेशन
से रिलेटेड जितने भी मिनरल्स सॉल्ट्स हैं उसका इंटेक उनकी बॉडी में अच्छे से हो और अनुशासन में हो, और उसके अलावा डेली बेसिस पे आपको उन्हें क्या डाइट में देना चाहिए जिससे ये डिहाइड्रेशन और वर्म्स की समस्या उनकी ठीक हो जाए। अगर आप बड़े हैं और आपका मुंह सूखता है, आपको यूरिनेशन कम हो रही है और आप आलस से ओतप्रोत हैं, आप काम को टाल रहे हैं, सवेरे सोकर उठकर बिस्तर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, तो हो सकता है आपके भी पेट में वर्म्स हैं और आप भी डिहाइड्रेशन के शिकार हैं, तो ज़रूर अपना चेकअप करवाएं। इल्यूजन क्या है? अगर आपके हाई चीक बोन्स हैं, ओवल फेस शेप है, लार्ज आई सॉकेट्स हैं, तो हॉलो संकननेस एक इल्यूजन मात्र है, आप सफ़र उससे नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें बिल्कुल संकननेस की गहराई बिल्कुल नहीं आंखों के नीचे, लेकिन वो एक शेडो सी क्रिएट होती है, तो वो ज़रूर दिखाने आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ठीक करनी है, फ्लॉलेस है हमारी स्किन, लेकिन ये देखिए क्या हो रहा है। तो उन्हें फिर मिरर के सामने खड़े करके समझाया जाता है कि ये क्या है, कहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी अपनी ये गलतफहमी दूर कर दें। क्या आप एनेमिक हैं? आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाइए। जैसा अभी मैंने वर्म्स और डिहाइड्रेशन से रिलेटेड कहा कि लो एनर्जी होना, हाँफना, बात करते करते हाँफना या चार सीढ़ी चल लिए और हाँफ रहे हैं आप, सवेरे आपको उठने की इच्छा नहीं होती, शाम को आपको अच्छा लगता है, तो आप सोचेंगे कि आप एड्रेनलिन फटीक के शिकार है, लेकिन हो सकता है कि हीमोग्लोबिन कम है। अगर इसके साथ साथ हॉलोसंकन आईज हैं तो हीमोग्लोबिन ज़रूर आप अपना चेक करवाइए। आई साइट वीक होना, तो हॉलोसंकननेस आती है आँखों के नीचे, टियर ट्रॉफ हॉलो से आप सफ़र कर सकते हैं। अब आपको सिर दर्द हो रहा है और थकावट फील हो रही है, बदन दर्द है, पैरों में दर्द है और आपको पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता है, हर दिन आपको हेडेक की समस्या हो रही है और आप अपना चेकअप करा रहे हैं माइग्रेन के लिए या सर दर्द से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए आप चेकअप करा रहे हैं, तो क्या आपने अपना आई चेक कराया है, आई साइट अपनी टेस्ट करवाई है? हो सकता है कि आप मायोपिक हैं या हाइपरमेट्रोप्रिया के आप शिकार हैं, इसीलिए हॉलो संकन आईज आपको हो रही हैं। हमारी बॉडी स्किन, हमारी फेशियल स्किन, हमारे इनसाइड हेल्थ का एक मैप है, यहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम्स रिफ्लेक्ट होती हैं जो अंदर चल रही होती हैं, इसीलिए एक एक बात पर गौर करना ज़रूरी है। अगर आपको हॉलो संकननेस है तो इसका मतलब ये बाहरी समस्या नहीं है, ये अंदरूनी समस्या भी है और बाहरी भी है, तो दोनों ही तरीके से आपको उसे ठीक करना है, इसी को हॉलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। सडन वेट लॉस, अब गलत तरीके से वज़न घटाना या किसी बीमारी की वजह से अचानक वेट रिड्यूस हो जाना, तो इन बातों पर ध्यान देना है। अगर आपने ऐसा किया है तो ज़रूर यहाँ का फैट डिप्लीट हुआ है और गहराई यहाँ पर आ गई है। वेट लॉस मिथ्स, ये वीडियो जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर है, इसमें तीन बॉडी टाइप्स बताए गए हैं, उसके अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, कैसी एक्सरसाइज होनी चाहिए, कैसी डाइट होनी चाहिए, ये संक्षेप में आपको बताया है। आप पेन और पेपर लेकर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अगर वो वीडियो आपने देख लिया पॉइंट्स उतार लीजिए और इंडिपेंडेंटली आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर लिए अपनी लाइफ में और एक समझ बॉडी टाइप के अनुसार आपको आ जाएगी, और भी अन्य वीडियोस देखकर आप उन वो जो आपका ज्ञान है उसे विस्तार में कर सकते हैं, तो अगर आपने ये कर लिया तो आप इंडिपेंडेंटली सही तरीके से वज़न घटाएंगे और फिर आपको हॉलो संकननेस की समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ये समस्या आ गई है तो भी ये ठीक हो सकती है, ये सभी के लिए लागू होता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है सन एक्सपोजर की। सन एक्सपोजर में हमारी त्वचा जैसे ही सन से एक्सपोज होती है मेलानिन पिगमेंट सिक्रीट करती है, यह सबको पता है, ये बचाव करती है वो हमारी त्वचा का हार्मफुल यूवी रेस से। लेकिन आपको अगर डार्क सर्कल्स पहले से ही हैं, आप गॉगल्स नहीं पहनते हैं, तो ये डार्कनेस की समस्या बढ़ेगी। ऐसे ही जैसे कि त्वचा पतली है तो यहाँ पर फैट की कमी है, सेबेशियस ग्लैंड्स मतलब नमी सिक्रीट करने वाली ग्रंथियाँ कम हैं और कोलाजन भी कम है, तो मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा सिक्रीट होगा और कोलाजन डिप्लीट होगा, उसकी वजह से फैट डिप्लीट होगा और सेबेशियस ग्लैंड्स कि जो नमी है वो सूखेगी, तो हॉलो संकननेस यहाँ पर आएगी। इसलिए सन एक्सपोजर के दौरान आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन के साथ साथ गॉगल्स का भी प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की त्वचा बाकी सब जगह की त्वचा से पतली है।
inflammatory infections जितने भी होते हैं, nasal infections जो आपको होते हैं, अगर हमेशा congestion रहता है तो hollow sunkenness आपको होगी. Tonsillitis बचपन से ये समस्या है. Bronchitis अगर आपको एक बार हो गया है तो जीवन में कभी ना हो, इसका ध्यान आपको देना है. Tonsillitis की समस्या अगर एक बार आ चुकी है तो tonsils आपके बढ़ने ना पाए, ये आपको ध्यान देना है. अगर आप sinusitis से सफ़र करते हैं तो आपके sinuses मौसम बदलने पर इन्फ्लेम्ड होंगे, इची और यहाँ पर पफिनेस आना, फ्लूइड रिटेंशन होना, फेस का ब्लोट होना, ये सब होगा. तो आप उसको एक्सेप्ट ना कर लें कि ये तो होना ही है, मैं तो इस समस्या से ग्रसित हूँ. चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, जितने भी ये इन्फेक्शन्स हैं इनको आप इतना कंट्रोल में कर सकते हैं कि इन्हें कंट्रोल करते हुए आप स्वस्थ लोगों से ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे और आप भूल जाएंगे कि आपको ये कभी समस्याएं रही भी हैं. तो आपको प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, और घर में भी आप प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, सिर्फ बाहर की बात नहीं होती है जहाँ पर प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स का नाम आता है. तली भुनी चीज़ें, पैकेज्ड फूड जितने भी हैं, जितने भी नई प्रकार की नमकीन हैं जो पहले से आप खाते आ रहे हैं, बिस्किट्स हैं, और जितने भी बेवरेजेस हैं जो ज़्यादा नमक युक्त हैं, ज़्यादा चीनी युक्त हैं, कलर युक्त हैं, इन सबको आपको बंद करना पड़ेगा. हर मौसम बदलने पर आपको नॉर्मल टैप वाटर ही पीना होगा. आपको प्रिकॉशंस लेनी होंगी. जो घर में पूड़ी पकौड़ी मठरी तल ली गई है उस तेल को रिसाइकल कर रहे हैं, और ये मठरी भी लंबे समय तक आप खा रहे हैं, ये प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो आपको टॉन्सिलाइटिस या साइनसाइटिस से या ब्रोंकाइटिस से, आपको अगर पहले हो चुका है नेजल इन्फेक्शन से, आप बच नहीं सकते हैं. तो ये चीज़ें आप त्याग दें तो इसका फ़ायदा आपको गट हेल्थ आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, डाइजेस्टिव हेल्थ आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, और सारी चीज़ों का निदान हमारे डाइजेशन में ही है. अगर हम उसे परफेक्ट कर लेते हैं तो हमारी सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं. अब साइनसाइटिस में यहाँ पर पफिनेस होती है, फ्लूइड रिटेंशन यहाँ पर इतना ज़्यादा हो जाता है उस समय के लिए, स्वेलिंग आना, दर्द होना, ये सब यहाँ पर होता है. तो यहाँ की जो पतली त्वचा है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, फूल भी जाती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से फूल जाती है और त्वचा पतली है, सरफेस एरिया बढ़ गया है फूलने की वजह से, तो वो खींची है त्वचा. जब ये फ्लूइड रिटेंशन कम होता है, आप एंटीबायोटिक्स लेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, बार बार आपको जब ये इन्फेक्शन होगा फिर फ्लूइड रिटेंशन कम हो जाएगा तो यहाँ की त्वचा वापस अपनी नॉर्मल सी अचीव करेगी. तो क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ चुका था, फ्लूइड रिटेंशन काफ़ी देर तक, दिनों तक था, तो जब वो वापस जाएगी तो वो रिंकल्ड हो जाएगी, जैसे कि एक बलून होता है. अगर आप उसमें हवा भर के रखेंगे और दो दिन बाद उसकी हवा निकाल देंगे तो वो कैसा रिंकल्ड हो जाता है, बिल्कुल वैसी ही त्वचा यहाँ की हो जाएगी, और साथ साथ फैट डिप्लीशन होगा. तो यहाँ पर आपको रिंकल्स और यहाँ की त्वचा ज़्यादा पतली और फैट डिप्लीशन होगा तो संकननेस आपको आएगी. इसीलिए साइनसाइटिस को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा. ये सारी बातें आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, पहले भी कर चुकी हूँ, आज दोबारा की है, और अब आपको इन बातों पर ध्यान देना है. अब बारी आती है एच ए फिलर्स और रेटिनॉइड्स की. एच ए फिलर्स क्या हैं? हाइलुरोनिक एसिड, ये कोलाजन मेकिंग कंपोनेंट है. ये हमारे रोज सीरम में, लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइज़र में, गोल्ड सैफ्रन क्रीम और अन्य कई प्रोडक्ट्स में हैं. अब अगर हम यहाँ पर फिलर्स इंजेक्ट करते हैं, हमारे क्लाइंट्स आते हैं हमसे कहते हैं देखिए हॉलो संकननेस है, मैं फिलर्स के लिए चली जाऊँ, मैं इंजेक्ट करवा लूँ, तो हम उनसे जो बातें बताते हैं वो इस प्रकार है. ये एरिया ऑप्थाल्मिक नर्व्स हैं यहाँ पर, और सबसे वाइटल ऑर्गन है आइज. आप यहाँ पर एच ए इंजेक्ट कराएंगे या कोई भी फिलर, अन्य फिलर इंजेक्ट करवाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप वाकई में एच ए इंजेक्ट करवा रहे हैं, आपको कैसे पता है? आजकल तो हेयर जेल्स भी इंजेक्ट कर देते हैं एच ए के नाम पर, तो ऐसी बातों को आप ना जान पाएंगे ना उनसे बच पाएंगे. जब यहाँ पर इंजेक्ट होगा तो वो जो फ्लूइड है वो अंदर जाएगा, पूरा यहाँ पर रहेगा, तो उससे लड़ने के लिए आपके वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स सारे यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, तो यहाँ पर लालामी आएगी और सूजन आएगी. अब वो फॉरेन पार्टिकल है, उससे लड़ाई चलती है 72 घंटे तक या इससे ज़्यादा तक, और जो फिलर्स इंजेक्शन
की प्रैक्टिस करते हैं, ये सर्विस आपको देते हैं, वो कहते हैं ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ 3 से 4 दिन तक ये इन्फ्लेमेशन रहेगा, इचीनेस रहेगी, रेडनेस रहेगी, फिर एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स तो है नहीं। तो आप भी मान लेते हैं कि ये तो कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं, 3 दिन की तो बात है। लेकिन 3 दिन लड़ाई लड़ रही है आपका शरीर, उससे लड़ाई लड़ रहा है उस फॉरेन पार्टिकल से, और उसके बाद जब वो लड़ाई बंद होती है तो इसका मतलब है कि शरीर ने उसे मतलब सरेंडर कर दिया और उसे अपने अंदर आने दिया, तब वो नॉर्मल हुआ। लेकिन वो जो फॉरेन पार्टिकल है आपके ब्लड में गया है और ब्लड के द्वारा आपके वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचकर क्या क्या क्षति पहुंचा रहा है ये आप नहीं जान पाएंगे। 2-3 महीने के बाद अगर आपको कोई शारीरिक परेशानी होती है तो आप फिलर्स से उसे रिलेट नहीं करेंगे। 12 महीने के बाद ये फिलर्स का असर ख़त्म होता है। तो जैसे साइनसाइटिस की समस्या में बताया कि फ्लूइड रिटेंशन होगा, तो उसके बाद जब फ्लूइड रिटेंशन ख़त्म होता है तो त्वचा एक बलून की तरह हो जाती है, पिचक कर नीचे चली जाती है और श्रिंक हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है। ऐसे ही इनमें होगा, एचए फिलर्स का जब असर ख़त्म होता है 12 महीने में तब होगा। फिर आप कराएंगे, फिर इस ढंग से ये समस्या बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी घटेगी नहीं, और ये मैनेजमेंट भी नहीं है, ये जहर बहुत सूक्ष्म मात्रा में लेते जाना ऐसा है। इसी प्रकार से चीक्स पर फिलर इंजेक्शंस लेना और अन्य जगह लेना जो लोग कर रहे हैं, वो लोग इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब एक बार कर चुके हैं और फिर वो बार बार करेंगे इसे, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आप इन गलतियों से बचें। रोज़ सिरम और लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइज़र जुवेना हर्बल्स का है, उसमें एचए कोलाजन मेकिंग कॉम्पोनेंट सूक्ष्म मात्रा में 8 घंटे तक आपकी त्वचा को मिलता रहता है, क्योंकि जब सारी रेजिमेन आपकी पूरी हो जाती है तो रोज़ सिरम स्प्रे करने के लिए आपको बताते हैं, और उसके डैम्पनेस पर लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइज़र या रोज़ आमंड मॉइस्चराइज़र, उसमें भी एचए है, लगाने के लिए आपको बताते हैं। तो स्किन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में दिन प्रतिदिन जितना त्वचा एक्सेप्ट करे उतना ही प्रोडक्ट अंदर जाता है, तो धीरे धीरे त्वचा उसे पचाती है और धीरे धीरे उसका असर दिखाती है, इसीलिए ये रिजल्ट स्थायी होता है। तो आप फिलर्स को ना कहें और नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ आप मुड़ें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब बारी आती है रेटिनॉइड्स की। रेटिनॉइड्स 15-18 साल पहले आर्टिफिशियल वर्जन है विटामिन ए का, इसका गाना पूरी दुनिया गा रही थी, रेटिनॉइड्स रेटिनॉइड्स, कई क्लाइंट्स आते रहे, रेटिनॉइड युक्त क्रीम है, मेरे डार्क सर्कल्स हैं, मेरे पफी आईज हैं, मुझे क्रोज फीट हो गया है, मेरे हॉलो संकन आईज हैं, या मुझे पिगमेंटेशन है, मुझे रेटिनॉइड युक्त। हम कहते हैं हमारे पास तो रेटिनॉइड युक्त कोई क्रीम नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल वर्जन है विटामिन ए का, ये नहीं है, हमारे पास नेचुरल सोर्स से विटामिन ए हमारे प्रोडक्ट्स में डाले गए प्रोडक्ट्स हैं, और वो नेचुरल सोर्स है बगची प्लांट, जिसका बगची ऑयल कंपोनेंट है विटामिन ए से ओतप्रोत। तो हमारे क्लाइंट्स 15 साल पहले से, 20 साल पहले से, 25 साल पहले से नेचुरल विटामिन ए का फ़ायदा उठा रहे थे। आज दुनिया बगची ऑयल बगची ऑयल बगची ऑयल पर दीवानी हो रही है, और हमारे क्लाइंट्स उसका इतने सालों पहले से फ़ायदा उठाते हुए बेहद सुंदर हो चुके हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि गलत तरीके ना अपनाएं, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी कर लें, हॉलिस्टिक अप्रोच को हमेशा तवज्जो दें, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और नेचुरल ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ आपका रुझान होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और जुवेना हर्बल्स के ई कॉमर्स वेबसाइट www.juvenas.com के ब्लॉग सेक्शन पर ज़रूर जाइएगा। जैसा मैंने प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपको बताया और अन्य कई बातों के लिए, लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बताया, डाइजेस्टिव हेल्थ आपको कैसे अच्छी करनी है ये बताया, तो ब्लॉग सेक्शन में बहुत सारे आपको ब्लॉग्स मिलेंगे जो ऑटोफजी, गट हेल्थ, लीकी गट, स्किन माइक्रोबायोम, इन सब पर हैं। तो ज़रूर पढ़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपकी स्किन रिलेटेड और हेयर रिलेटेड क्वेरी है तो 9554326609, 9415282407 पर व्हाट्सएप ज़रूर करें और अपनी अनफिल्टर्ड पिक सेंड करें। थैंक यू।